कोरोना वायरस की जारी बेकाबू रफ्तार ने देश में एक बार फिर पिछले साल जैसे हालात बना दिए हैं। हर रोज 2.5 लाख के करीब नए केस आ रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कहीं टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इस महासंकट की रफ्तार को रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगा दी हैं। 2021 की इस तालाबंदी ने फिर सड़कों पर उसी नज़ारे को फिर से जिंदा कर दिया है, जहां लाखों की संख्या में मजदूर घर वापसी के लिए निकल पड़े हैं। दिल्ली हो या राजस्थान या फिर गुजरात और महाराष्ट्र, हर तरफ से एक ही तरफ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड़ अपने घर वापस जाने को बेकरार है। याद हो कि जब 2020 में मार्च देश में पहला लॉकडाउन लगा था, तब भी कुछ ऐसा ही हाल था। अचानक तालाबंदी के कारण लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल पड़े थे। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार सार्वजनिक परिवहन चालू है, लेकिन पिछली बार वो भी बंद था। हालांकि इस बार बसें ट्रेनों में भीड़ होने के कारण मजदूर फिर पैदल चल पड़े हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।